हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, नरेशन पढ़ा रहा हूँ आजकल आप लोगों को। नरेशन में तीन पार्ट्स हो चुके हैं, मैं तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पहला जो था वो नरेशन का पहचान, नरेशन किसे कहते हैं और नरेशन का बनाने का जो नियम है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो बताया था मैंने आपको। और दूसरा जो बताया था चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को हम चेंज कैसे करते हैं। और तीसरा जो बताया था वो चेंज ऑफ टेंस। आज हम नरेशन में बताने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे ऑर्डर अगर कोई देता है तो मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अगर हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, कृपया दरवाज़ा खोलिए, सजेशन दवा समय पर खाओ, इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे तो हम उसे कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो सबसे पहला नियम है ये वो है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड से हटकर टोल्ड, एडवाइस, सजेस्ट या रिक्वेस्ट में बदल जाएगा सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से। अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा, अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, अगर सजेशन दिया जा रहा है तो सजेस्ट हो जाएगा, और एडवाइस दिया जा रहा है और एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो दूसरा नियम है इसमें ये वो है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड के बाद यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से। और जो तीसरा नियम है वो ये है कि यहाँ पर दैट नहीं लगता और सीधा ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाते हैं उसके, या नॉट टू लगाते हैं, अगर नेगेटिव है तो नॉट टू लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो सिर्फ टू लगाएंगे, उसके बाद जैसा कहते ऐसा रख देंगे। अभी हम बनाते हुए समझते हैं। ही सेड टू मी गो टू मार्केट, उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ। अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लिखेंगे, अगर सिर्फ कह रहा है तो सिर्फ टोल्ड लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ही टोल्ड लिख देते हैं हम, ही टोल्ड मी। अब यहां पर दैट नहीं लगेगा, टू लगेगा सीधा, टू गो टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू माई सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने अपने नौकर से कहा कि एक गिलास पानी लाओ। अब मैंने अपने नौकर को कहा तो ऑर्डर ही दिया होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे आई ऑर्डर्ड, I ordered my servant। फिर उसके बाद टू, यहां पर दैट नहीं लगाना है। कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त यहां पर दैट नहीं लगाना है, टू लगाना है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तीसरा है राजू सेड टू मोहन, राजू ने मोहन से कहा प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया करके मुझे 10 रुपये दो। यहां पर रिक्वेस्ट हो गया तो राजू रिक्वेस्टेड हो जाएगा, राजू रिक्वेस्टेड मोहन। उसके बाद क्या है, प्लीज है, तो प्लीज काइंडली ये सब शब्द हट जाएंगे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टू गिव, यहां पर मी किसके लिए है, मी राजू के लिए है, तो हिम हो जाएगा, हिम 10 रुपीज। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा टेक एक्सरसाइज एवरी डे, रोज एक्सरसाइज किया करो। उसने मुझे क्या किया, एडवाइस दिया, तो ही एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, सेम हो जाएगा। राहुल सेड टू अस लेट्स प्ले फुटबॉल, ये थोड़ा अलग सेंटेंस है। ये अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर लेट्स लगा है, लेट्स मतलब सजेशन हो जाता है। राहुल सेड टू अस लेट्स प्ले फुटबॉल, जब भी लेट्स वाला सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, राहुल सजेस्टेड, राहुल सजेस्टेड, फिर वहां पर क्या हो जाएगा, दैट लग जाएगा, दैट वी शुड प्ले फुटबॉल।
वी शुड प्ले फुटबॉल। ओके फ्रेंड्स, जब भी लेट्स वाला सेंटेंस होगा तो वहां पर दैट लगेगा और दैट के बाद वहां पर शुड लगाकर फिर बनेगा, वो भी वी शुड लगाकर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि लेट्स तभी हम बात करते हैं जब हम सब मिलकर कुछ करने की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मेरे पिताजी ने मुझसे कहा चलो कैरम बोर्ड खेलते हैं, माय फादर सेड टू मी लेट्स प्ले कैरम बोर्ड, तो उसका हो जाएगा माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स वाला जो भी सेंटेंस होगा उसका इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त हम वी शुड लगाकर बनाएंगे उसको। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और प्रैक्टिस के द्वारा समझते हैं, और भी ज़्यादा सेंटेंसेज लेंगे प्रैक्टिस के लिए। आप ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये नरेशन पूरा ख़त्म होने के बाद हम आपको एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास में, वो हम एग्जाम्पल देकर उसको सॉल्यूशन भी हम करेंगे, उसको हम सॉल्व भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड टू मी डोंट गो देयर, ही टोल्ड मी नॉट टू गो देयर, राम सेड टू मोहन प्लीज गिव मी अ पेन, राम रिक्वेस्टेड मोहन टू गिव हिम अ पेन, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, माय सन सेड टू मी प्लीज बाय मी अ कोट, माय सन रिक्वेस्टेड मी टू बाय हिम अ कोट, आई सेड टू माय सर्वेंट गो टू मार्केट, आई ऑर्डर्ड माय सर्वेंट to go to market, the teacher said to the boys don't make a noise, the teacher told the boys not to make a noise। Okay friends, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।